corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, education, conflict, environment, gender, development, corruption. लगभग एक दशक से जारी राजनीतिक अस्थिरता के कारण झारखंड के चप्पे चप्पे पर भ्रष्टाचार का नंगा तांडव है, जिसे जहां मौका मिला लूटने में भिड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार सिर्फ सरकारी महकमों की जागीर है, बल्कि ग्रामीण समितियां भी इसमें हिस्सेदारी कर रही है, जिसके कारण सरकारी योजनाएं धरातल पर दम तोड़ रही है। तो आइए आपको दिखाते कुछ ऐसे ही भ्रष्टाचार का शिकार बना हुआ झारखंड राज्य के देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर प्रखंड के सरकारी मध्य विद्यालय जगदीशपुर। मेरे मध्य विद्यालय जगदीशपुर में बहुत सारी समस्या है। पहला नंबर तो है कि एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम फीस मांगते हैं, उसके बाद एग्जाम फीस मांगते हैं तो हम लोग दे देते हैं। फिर जब क्लास चल जाते हैं तो फिर चौक का पैसा मांगते हैं, प्रत्येक महीना चौक का पैसा देते हैं 1 रुपया। फिर जब चौक का पैसा देते हैं तो रिजल्ट जब निकलता है तो रिजल्ट मांगते हैं, तो प्रत्येक बच्चे पर 1 प्लेट मांगते हैं। हम लोग इतना नहीं दे सकेंगे। अगर आप लोग सर को पैसा नहीं देते तो वो लोग आपके साथ क्या करते हैं? सबके सामने खड़ा करता है, जिसके वजह से हम लोग को बुरा लगता है और मजबूर में पैसा हम लोग को देना पड़ता है। पैसा दिया जाता है लेकिन इसके लिए हम बहुत आवाज़ उठाएं, आवाज़ करना नाकाम हो गया। सर, हमको सुनने को मिला है कि इस विद्यालय में बच्चों के संबंधित प्रत्येक काम के लिए उनसे पैसा वसूले जाते हैं, आपका इसमें क्या कहना है? मेरा यही कहना है, ये सरकारी विद्यालय है, 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, ऐसा प्रावधान भी नहीं है हमारे विद्यालय को सरकारी विद्यालय पर का पैसा लेने, और आज तक किसी बच्चे से पैसा जबरदस्ती किसी लिया भी नहीं गया है। तो अगर एडमिशन के समय किसी बच्चे के गार्जियन आकर के खुशी से हमारे स्टाफ को विद्यालय को चाय पान के लिए अगर वो खुशी करा देते हैं या उनकी मर्जी होती है। जगदीशपुर का स्कूल जो है सो पैसा पर ही चलता है, परीक्षा फीस के नाम पर पैसा लेता है, और कभी बर्तन खरीदना है तो कभी झाड़ू खरीदना है, हर काम में पैसा लेता है। दूसरा बात यह है कि श्री मंटू मरंडी हमेशा शराब पी के क्लास में आते हैं और इससे परेशानी होता है, और कोई टीचर टाइम पर स्कूल नहीं आते हैं, कोई 7 बजे तो कोई 8 बजे, कोई छुट्टी के टाइम में आते हैं, और बच्चा अगर कोई 10 मिनट अगर लेट गया तो उसको जो है सो निकाल दिया जाता है कि तुम टाइम पर नहीं आया, तुम जाओ घर, गार्जियन को लेके आओ, तब तुम आना स्कूल। तो अभी आपने देखा मध्य विद्यालय जगदीशपुर और उसके शिक्षकों की कारगुजारियों को। तो ऐसा नहीं कि सरकारी स्तर पर इनकी निगरानी की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन जब सारा तंत्र ही भ्रष्टाचार में डूबा है तो किससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। मैं मुकेश सरजक, झारखंड के देवघर जिला का इंडियाना हट से।